हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन से बना हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक कप सोयाबीन ली है। इसे हमने उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो पानी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, उबाल आना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं एक कप सोयाबीन, और जब तक कि अच्छे से फूल ना जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए, सोयाबीन हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, इसका पानी स्क्वीज कर लेंगे ठंडे पानी में डालकर, और इन्हें अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से हमने इसका पानी जो है स्क्वीज कर लिया है, इन्हें ड्राई कर लिया थोड़ा सा, और एक मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब इसके साथ में ही हम डाल देंगे ग्रीन चिली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, और इसे बिना पानी के ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, बिना पानी डाले हम इसे इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके साथ में हम डालेंगे दो मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है बड़े वाले साइड से। आप चाहे तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कच्चे आलू से बनाएंगे। तो इसे भी हम डाल देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी, मतलब कि 100 ग्राम के लगभग, चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच, और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चॉप किया हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आलू है ना, उसके मॉइस्चर से ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हम इसे और बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन पहले हम सूजी के साथ में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पर सूजी स्किप करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर, उससे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो देखिए, बढ़िया से इसे मिक्स कर रहे हैं तो बाइंडिंग आ रही है इसमें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है, बिना पानी डाले ही ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो इसे और भी ज़्यादा बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो आप इसकी जगह पर चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे डालकर अच्छे से बाइंडिंग कर लें, और बिना पानी डाले ही हमें मिक्स करना है, और इसका एक बढ़िया सा परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो पानी हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सोयाबीन में भी पानी था और आलूओं में भी मॉइस्चर था। तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो 1-2 बूंद डाल दें, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, बढ़िया से हमारा ये मिक्सचर जो है तैयार है। इसके हम बढ़िया से ट्रायंगल शेप के कटलेट्स बनाएंगे। तो आप इसे जैसे चाहे वैसे नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने मनपसंद शेप से। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही कम सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी अपनी मनपसंद सब्जियों को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, इस तरह से आप इस तरह से शेप बना लें और तेल में छोड़ते जाएँ। आप चाहे तो प्लेट में भी रख के एक बार में फिर ढेर सारे भी सेक सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर से भी कोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। मैं इन्हें ऐसे ही प्लेन फ्राई करूँगी। तो देखिए, बढ़िया सा हमारा ये एक ट्रायंगल तैयार है। इसी तरह से हम और भी बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर तेल को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट तेल में इन्हें हम छोड़ते जाएंगे और फटाफट से फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही आप इन्हें फ्राई करें, जिससे कि अंदर तक कुक हो जाए और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रहें। तो बहुत अच्छे से आपको इन्हें सेकना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। उससे क्या होगा कि तेल जो है ऊपर से जल्दी जल्दी सेक देगा, गर्म हो जाएगा और ये जल जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप मीडियम हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करें। तो देखिए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इन्हें थोड़ा हम और फ्राई करेंगे, और देखने में कितने सुंदर, टेस्टी और लाजवाब लग रहे हैं। साथ ही बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। तो आप इन्हें बेक करना चाहते हैं तो आप बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बढ़िया से बनकर हो गए हैं तैयार। कितने टेस्टी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसी तरह से और भी बाकी का तैयार कर लें, चटनी या सॉस किसी के भी साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी सोयाबीन से बनी हुई कटलेट्स। आप इसे बनाएं, खाएं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।